और जिसके लिए उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। अगर वो गैंगरेप किसी नॉर्मल आदमी ने किया होता तो FIR दर्ज हो जाती, लेकिन वो गैंगरेप भाजपा के नेताओं ने किया इसलिए FIR दर्ज नहीं होगी। क्यों? किसका किसका गैंगरेप हुआ है? मेरी छोटी बहन का, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई की हत्या करवा दी इन लोगों ने 1 साल पहले। मैं भटक रही हूँ 1 साल से इनके पास रिहाई के लिए। भाई की हत्या का FIR दर्ज कराने के लिए दौड़ते दौड़ते बहन का भी गैंगरेप हो गया, मर्डर हो गया, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन की आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। कम से कम 1 दर्जन एप्लीकेशन मैं रायबरेली पुलिस को दे चुकी हूँ। रायबरेली पुलिस इन नेताओं के साथ बैठती है, चाय नाश्ता करती है, लेकिन हम लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है, हमारी FIR दर्ज नहीं की जाती है। किस जनपद के किस थाने का मामला? मैं रायबरेली थाना जनपद वाली से आई हूँ। क्या नाम है? कहाँ मैं रोज इनको एप्लीकेशन 15 दिनों से दे रही हूँ। दिन भर मैं और मेरी दोनों बेटियाँ यहाँ पे बैठते हैं गेट पर, और रात में सिविल अस्पताल पे ये लोग हमको भगा देते हैं सोने के लिए। भाजपा के किन किन नेताओं का हाथ है इसमें? गजानन सिंह, भानु प्रताप सिंह, सत्येंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष RB सिंह रायबरेली, ये सभी शामिल है। इसी कारण भाजपा जिला अध्यक्ष RB सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार हैं, इसलिए ये FIR नहीं दर्ज हो रही है। सबका मामला जो ये मेरी बहन की हत्या हुई है और भाई की हत्या 1 साल पहले हुई है, दोनों ही मामलों के FIR दर्ज नहीं हो रही है। 97-98 में मेरी माँ को गैंगरेप करके मार दिया गया, मेरे पिता की हत्या हो गई, उसकी CBI जांच के लिए मैं मांग कर रही हूँ, वो भी नहीं हो रही है, और उसमें भी भाजपा नेता ही शामिल है। मुख्यमंत्री आवास है? मैं रोज आती हूँ, मैं सिर्फ आज नहीं आई थी, मेरी बेटियाँ रोज एप्लीकेशन देती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आज आपके घर में? आज भी मैं FIR दर्ज के लिए ही आई थी, लेकिन अब आज हम लोगों के पास ना तो रुपया पैसा है, मेरे बच्चे भूख से परेशान घूम रहे हैं, हम लोग आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? घर में मेरी बेटी ने 24 तारीख को जहर खा लिया था, तब 25 तारीख को हम लोग यहाँ आए हैं न्याय मांगने के लिए। 15 दिन भी किया, हमें मिला न्याय, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?